अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज एमएस खटक। आज हमारे पास है, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड ईयर की प्रॉब्लम, सेकंड ईयर फिजिक्स पार्ट टू। चैप्टर नंबर 12 है, जो कि पहला चैप्टर है हमारे पास। इलेक्ट्रोस्टैटिक के हमारे पास चैप्टर है, तो उसके हमारे पास पहला प्रॉब्लम है 12.1। कंपेयर द मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेट एंड ग्रेविटेशन फोर्सेस एग्जर्टेड ऑन एन अपडेट मैस। हमारे पास गिवन है 10 ग्राम एंड चार्ज 20 माइक्रो कूलम बाय एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट दैट इज प्लेस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द फर्स्ट। और जी की वैल्यू, यूनिवर्सल कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास गिवन है 6.67 एक्सपोनेंशियल -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब हमने क्या करना है कि हमने मैग्नीट्यूड्स दो हमारे पास फोर्सेस हैं, जिसका हमें कहा गया है कि आपने इनके मैग्नीट्यूड कंपेयर करने हैं। इलेक्ट्रिकल फोर्स है, दूसरा हमारे पास मैग्नेटिक ग्रेविटेशनल फोर्स है। एक ऑब्जेक्ट पे हमारे पास हम फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं, एग्जर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट पे ये दोनों एग्जर्ट हो रहे हैं, तो जिसका मैस हमारा गिवन है और चार्ज गिवन है, दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो आइडेंटिकल है। मतलब क्या, हमारे पास दोनों की जो सेम मैस है वो भी सेम है, और चार्ज होगा दोनों पे वो भी सेम होगा। और हमारे पास जो दोनों के एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट दैट इज प्लेस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द फर्स्ट, यानी दो ऑब्जेक्ट है जो पहले से दूसरा पड़ा है वो 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, यानी दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते होते हैं वो हमारे पास क्या है, 10 सेंटीमीटर है। तो सॉल्व करते हैं, पहले हम डेटा लिखते हैं। डेटा में हमारे पास क्या है, मैस ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास M1 10 ग्राम है, 1000 पे डिवाइड करके ऐसा यूनिट यानी ग्राम में चेंज करेंगे तो हमारे पास 0.01 ग्राम आ जाएगा। दोनों क्योंकि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो सेम है, आइडेंटिकल है, तो मैस ऑन सेकंड ऑब्जेक्ट M2 भी हमारे पास 10 ग्राम होगा, जो कि हमारे पास 0.01 kg आ जाएगा। चार्ज ऑन फर्स्ट ऑब्जेक्ट Q1 हमारे पास 20 माइक्रो कूलम है, माइक्रो हमारे पास एक्सपोनेंशियल -6 है होता है, तो हमारे पास 20 एक्सपोनेंशियल -6 कूलम। अब क्योंकि आइडेंटिकल है तो हमारे पास जो चार्ज सेकंड ऑब्जेक्ट पे चार्ज होगा Q2, वो भी हमारे पास 20 एक्सपोनेंशियल -6 कूलम होगा। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट जो हमें कहा गया है, वो हमारे पास जो डिस्टेंस है वो क्या है, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द फर्स्ट, यानी जो दूसरा ऑब्जेक्ट है पहले ऑब्जेक्ट से 10 सेंटीमीटर के फासले पे पड़ा है, तो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर, जो कि 0.1 मीटर। अब हमने क्या करना है, कंपेरिजन ऑफ फोर्सेस FE/FG, कंपेयर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल यानी FE और ग्रेविटेशनल FG फोर्सेस को हमने कंपेयर करना है। तो हम जानते हैं हमारे पास क्या है कि FE हमारे पास कूलम फोर्स या इलेक्ट्रिकल फोर्स, हमारे पास FE इज इक्वल टू K Q1 Q2 और R2। K की वैल्यू हमारे पास क्या है, 9 एक्सपोनेंशियल 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, या K की वैल्यू हमारे पास 1/4 πε₀। ठीक है, तो हमारे पास K की वैल्यू वहां से भी हम लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं 9 एक्सपोनेंशियल 9 मल्टीप्लाई Q1 की वैल्यू 20 एक्सपोनेंशियल -6, Q2 की वैल्यू सेम Q 20 एक्सपोनेंशियल -6, और ये हमारे पास R की वैल्यू जो है 0.1 है, इसका स्केयर आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इन दोनों को आपस में पहले मल्टीप्लाई किया 4 एक्सपोनेंशियल -10, इनको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.6, 0.1 का स्केयर लेंगे तो 0.01 आ जाएगा। तो हमारे पास FE जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है या कूलम फोर्स है, हमारे पास 360 न्यूटन इसका आंसर आ जाएगा। अब ग्रेविटेशनल फोर्स का हमारे पास फॉर्मूला जो है वो FG इज इक्वल टू GM1 M2 और R2 है। न्यूटन्स ये हमारे पास न्यूटन्स का जो लॉ है, यूनिवर्सल लॉ, इससे हमारे पास ये फॉर्मूला हमें पता है। जी की वैल्यू हमारे पास 6.67 एक्सपोनेंशियल -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये अगर गिवन ना भी हो तो हमें पता होना चाहिए, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूले में, 6.67 एक्सपोनेंशियल -11 मल्टीप्लाई M1 की वैल्यू 0.01, M2 की वैल्यू मल्टीप्लाई हमारे पास हो जाएगी 0.01, डिवाइड वही आर हमारे पास 0.1, डिस्टेंस क्योंकि हमें सेम गिवन है वही डिस्टेंस होगा, मैस सेम थे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे मैसेज को पहले, तो हमारे पास 1 एक्सपोनेंशियल -4, इसको इसके साथ जी की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हम स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.67 एक्सपोनेंशियल -15 डिवाइड बाय 0.01, तो हमारे पास ये वैल्यू जो एफ जी की यानी ग्रेविटेशन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वैल्यू 6.67 एक्सपोनेंशियल -13 न्यूटन। अच्छा, इससे एक और बात भी हमें पता चलती है, वो क्या बात है, अगर इधर हम गौर करें एक्सपोनेंशियल माइनस 13 न्यूटन है और ये 360 न्यूटन है, तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास सेम ऑब्जेक्ट हो तो उन पे अगर चार्ज भी सेम हो तो हमारा और डिस्टेंस भी उनके सेम हो, तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल फोर्स आती है वो ज्यादा स्ट्रांग होती है
एज कंपेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये देखो हमारे पास सेम ऑब्जेक्ट थे, सेम चार्जेस थे, दोनों पर डिस्टेंस भी सेम था इलेक्ट्रिकल फोर्सेस के लिए भी और ग्रेविटेशनल फोर्सेस के लिए भी, मगर हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो इलेक्ट्रिकल फोर्स का ज्यादा आ रहा है, 360 न्यूटन आ रहा है, यानी फोर्स जो है वो ज्यादा आ रही है, और हमारे पास जो ग्रेविटेशनल है वो इतिहाई कम आ रही है, बहुत ज्यादा कम आ रही है, यानी 6.67 एक्सपोनेंशियल -13 न्यूटन माइनस में आंसर आ रहा है, तो जो कि बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू 360 न्यूटन के। तो इससे हमें पता चलता है जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग फोर्स है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमारे पास क्या है, वीक फोर्स है, क्या है, वीक फोर्स। तो कंपैरिजन भी हमें यही चीज बताती है कि हमारे पास FE और FG इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय 6.67 एक्सपोनेंशियल -13, जो कि हमारे पास क्या है 5.397 एक्सपोनेंशियल -14। तो FE और FG इज इक्वल टू 5.397 एक्सपोनेंशियल 14। तो ऐसे हमें पता चलता है कि अगर देखो FG को अगर हम यहाँ डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ मल्टीप्लाई कर लें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी हम ये कर लें कि ये नीचे डिवाइड हो रहा है, ये जो हमारे पास चीज है यानी 5.9 एक्सपोनेंशियल, इसके साथ वो मल्टीप्लाई कर लें एफ जी, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारे पास एफ ई है वो यानी 360 वो कितने एफ जी होंगे, यानी 5.397 एक्सपोनेंशियल 14 टाइम एफ जी की जो वैल्यू होगी वो तब हमारे पास एफ ई की वैल्यू की इक्वल आएगी। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे पास जो है इलेक्ट्रिकल फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। इतने टाइम जब हम हमारे पास ये सेम सिचुएशन में हम इतने टाइम ग्रेविटेशनल फोर्स को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तब जाके वो हमारे पास एफ ई इलेक्ट्रिकल फोर्स की इक्वल आएगी। इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं, अगर देखो ये हमारा यहाँ ले आए वैल्यू एफ जी और ये हम डिवाइड कर लें, तो इससे भी हमें अंदाजा हो सकता है कि हमारे पास जो है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितनी वीक है, यानी आप इसको इधर ले आए एफ जी को यहाँ पे आप डिवाइड कर लें, तो हमारे पास वन पे डिवाइड कर लें, 1/5.397 एक्सपोनेंशियल 14, तो उससे भी आपको पता चल जाएगा जो कि जैसे ही हमारे पास वैल्यू आई थी। तो इससे हमें कंपैरिजन का अंदाजा हो जाता है कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल जो फोर्स है वो हमारे पास ज्यादा स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास वीक फोर्स है। तो आज के लिए ये क्वेश्चन इतना काफी है। अगर आपको मेरे वीडियोस वगैरह से मदद मिलती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा फेसबुक पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।